अस्सलाम वालेकुम गाइस, लिप्सी चैनल पे एक बार फिर से आपको स्वागत है। और आज जो अमरूद के प्लांट्स आपको दिखाने जा रहे हैं, ये अमरूद के सबसे लेटेस्ट वैरायटी है और बहुत ही हाई क्वालिटी के वैरायटी है। तो इसको कहते हैं रेड डायमंड गुआवा, और इसको जापानीज़ रेड गुआवा भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है रेड होने के कारण और इसके शेप डायमंड होने के कारण इसको रेड डायमंड कहा जाता है। तो इसको इसके पत्ते आप देख सकते हैं, इसके पत्ते जो है जो दूसरे प्लांट्स के जो अमरूद के वैरायटी होते हैं उससे ऑलमोस्ट डबल है, और ये राउंड शेप का होता है। और हर प्लांट्स में आप देख सकते हैं कि फ्लावर भी आ चुका है। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग अमरूद का प्लांट है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है, बहुत जल्दी से ग्रो करता है। लेकिन ये विंटर के सीज़न में ये आपको कम ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस है, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये अमरूद, तो ये तो एक तो सीडलेस है, इस पर बहुत ही कम सीड आपको देखने को मिलेगा, मतलब ना के बराबर। और दूसरा जो है इसका टेस्ट है, जो टेस्ट दो तरह के टेस्ट आपको मिलेगा, एक तो नाशपाती का और दूसरा जो अंदर की जो फ्लैश होता है उस पर आपको अमरूद का टेस्ट मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही मीठा है, और जो कीपिंग क्वालिटी है इसको इसके बहुत ही अच्छी है। वैसे तो आप 10 दिन से 12 दिन रख सकते हैं, लेकिन अगर बैग के अंदर रखेंगे तो इसकी जो कीपिंग क्वालिटी ड्यूरेशन है उसकी और भी बढ़ जाता है। मतलब आपको जब अमरूद ग्रो करने लगेगा तब उसको बैगिंग करना है आपको। और जो चौथा पे है वो है साइज़, इसका साइज़ 400 से 700 ग्राम तक होता है ये। और ये बहुत ही पांचवी नंबर पे अगर बताया जाए तो इसके बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, ये बहुत ही शाइनी होता है। और छठी अगर बताया जाए तो ये सबसे आपके राहत की बात है, ये मेंटेनेंस आपको बहुत ही करना है, मतलब ज़्यादा आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कि आपको कोई बीमारी की प्रॉब्लम होती है तो इससे बहुत ही कम होता है ये। और किसान भाई इसको आसानी से लगा सकते हैं, हमारे पास हज़ारों से ज़्यादा प्लांट्स है। आपको बुकिंग करना है ऑनलाइन, हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, तो हम आपके कुरियर के थ्रू कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में आपको पहुँचा देंगे। और अगर इसकी जो प्लांटेशन की अगर बात करें तो ये इंडिया के जहाँ जहाँ अमरूद होता है वहाँ वहाँ पे आपको ये फल आसानी से हो जाएगा। और अगर इसकी मतलब प्रोडक्शन की बात करें तो ये जब शुरू होता है तो अमरूद के कम से कम जब शुरू में आपको अमरूद देगा तो कम से कम 4 से 5 किलो एक प्लांट से आप निकाल सकते हैं। जब ये 2 साल का होता है प्लांट तो ये कम से कम आपको 30 से 40 किलो तक का फ्रूट्स आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। और जो फ्रूट की जो वैल्यू है मार्केट में वो है, अभी तो चल रहा है 80-90 रुपए किलो है पर किलो, वो भी होलसेल। और मान लिया जाए कि 2 साल बाद 3 साल बाद थोड़ा सा घट गया तो घट के कितना आ जाएगा, 50 रुपये किलो आ जाएगा। तो भी आपको एक प्लांट से अगर 40 से 50 किलो निकलता है तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जानकारी आपको चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और प्राइस निगोशिएटेबल है। आप दोस्तों प्लांट्स की फास्टेस्ट ग्रोइंग के लिए आप वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडांग की या फिर नीम खल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर रहेगा प्लांट्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक रॉयल फ्रूट है जो आप शौक से लगा सकते हैं, दूसरे को दिखा सकते हैं और ख़ुद भी इसके एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको सिंगल प्लांट्स चाहिए तो वो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके जज्बात को हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आपको टॉप में लगाना है तो उस टॉप के साइज़ और प्लांट्स के साइज़ के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे टब छोटा हो गया तो थोड़ा सा रिपोर्ट करके थोड़ा सा बड़ा प्लांट बड़ा टॉप में आप लगाइए, तो इससे क्या होता है प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी आती है, फंगस नहीं लगती है, और जल्दी से फ्रूट भी आता है और क्वालिटी भी अच्छे होते हैं।
तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़, और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।